हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैट निकल गया, जैट के ऊपर वीडियो आ गया, लेकिन जो सबसे करीब एग्जाम है वो है स्नैप। एंड उसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। आई नेवर टुक स्नैप, पैसे भी नहीं थे, हिम्मत भी नहीं थी। तो हमारे साथ एक शख्स है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उसने सारे एग्जाम दिए ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट सब में एक्सेल भी किया। तो बट हाँ, स्नैप वॉज हिज बेस्ट एग्जाम एंड ही डिड इट फेयरली वेल। ही स्कोर्ड अ 99.07% एज यू कैन सी, एंड राइट नाउ इज इन एस सी एम एच आर डी। ही हैज गॉट अ रियली गुड समर प्लेसमेंट, आई कांट से द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई कैन एश्योर कि इफ यू एंड अप एट द राइट प्लेस एंड यू आर द राइट कैंडिडेट, देन कॉलेज विल नॉट बी दैट ग्रेट ऑफ अ मैटर। तो वो IIM वाला जोन है, IIM नहीं, मेरा कैट खराब हो गया, उससे बाहर आओ। द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू इन अदर एग्जाम्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। एंड राइट नाउ आई इंट्रोड्यूस यू टू देव, ही विल टेल अ बिट अबाउट हिमसेल्फ, टेल अ बिट अबाउट हिज कैट जर्नी, एंड देन एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्नैप एग्जाम। सो देव, ओवर टू यू। Yes, so as he introduced, my name is Dev, and initially I also started my journey कि भाई कैट लेना है, कैट फोड़ना है और IIM में जाना है किसी तो अच्छे, लेकिन वही था, कैट में इतना अच्छा नहीं हो पाया ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स। सो उधर मेरा स्कोर 95.02 ही रह गया। देन उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो एग्जाम था वो स्नैप का ही था। सो आई वॉज लाइक कि यार अब 95.02 में मेरे को और मेरी प्रोफाइल जो है वो जेम है, तो मैं जेम फ्रेशर था। तो जो लोग अब इस साल GDPI देंगे, जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत, दे कैन रिलेट कि भाई जेम लोगों को कन्वर्ट करना स्पेशली IIMs बहुत मुश्किल होता है, और ब्लैकीज की तो कॉल लाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को एक फेयर आइडिया लग गया था। इवन आपसे भी मेरी जब बात हुई तो आपने भी कहा था कि लाइक यू हैड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, कि भाई बहुत मुश्किल हो सकता है कन्वर्ट करना, तो आगे अपकमिंग एग्जाम्स को भी उतना ही सीरियसली दे, बिकॉज लाइक अगर अच्छे से तैयारी करिए तो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रैटेजी चेंज करके थोड़े बहुत मॉक्स लगा के यू कैन डू वेल इन अदर एग्जाम्स एज वेल, और वो हो भी गया। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी कि यार ठीक है चलो कैट अप जैसा भी हो गया, आगे कॉल्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, मतलब मेरा पर्सनल टेक ये था। मेरे को अभी भी याद है लास्ट ईयर बहुत बार आपने बोला भी था कि भाई देख ले आंसर की आ गई, देख ले आंसर की आ गई, बट आई वॉज लाइक कि मैं अब सीधा स्कोर देखूंगा, मेरे को अपने बाकी एग्जाम्स पे फोकस करना है, मैं तो आंसर की भी नहीं देखने वाला, जो होगा सीधा स्कोर शीट पे पता चल जाएगा। सो दैट वॉज समथिंग, जो एक चीज थी कि भाई अब कैट हो गया ठीक है, आगे एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट वॉज कि हमें एक अच्छे बी स्कूल में जाना है, ना कि IIMs में ही जाना है। बिकॉज अगर सच देखो तो ब्लैकीज के अलावा आई डोंट थिंक कि हर IIM उतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है आज के टाइम में, इन सेंस ऑफ अदर बी स्कूल्स, जैसे IITs हो गए, SIVM हो गया, SCMHRD, NMIMS, IFT, ये सब। तो वही है, मतलब इट इज एंड ऑफ द डे सबको पता है कि यार बी स्कूल हम इसलिए जा रहे हैं ताकि अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। तो लाइक इफ यू परफॉर्म रियली वेल इन द बी स्कूल, एंड बी स्कूल भी अपने आप में अच्छा है, तो प्लेसमेंट एंड ऑफ द डे मिलेगी। करेक्ट। तो थोड़ा सा 2 मिनट अपना SCMHRD में भी बता दो कैसा चल रहा है, ताकि लोग को पता चले हाँ मजा आ रहे कि नहीं, श्योर, क्या एक्सपेक्ट कर ठीक सकते है। तो हैं भी, ताकि वो लोग भी दुखी ना रहे। ठीक है, तो SCMHRD ऐसा है कि लाइक आई इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, पिछले साल ऐसा था, अगेन आई वुड से कि हेमंत से मतलब ऐसा था लास्ट ईयर तक कि हर रोज ही मैं बात करता था लगभग कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बिकॉज ही टू कैट वन, मतलब एक साल मेरे से पहले भी लिया था, तो ही वॉज एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ GDPI प्रिपरेशन अलॉट, कि ही कैन गाइड मी रियली वेल कि GDPI कैसे करना है, कौन सा कॉलेज बेटर है, क्या है, बिकॉज वो रिगर पूरी देख चुके थे हेमंत जो है, तो मैं उनसे बात करता रहता था। तो लाइक मेरे को एक वो था जो एक एक प्रॉपर कैट एस्पिरेंट को होता है ना कि नहीं भाई मेरे को तो IIM में जाना है, IIM का टैग लेना है, इवन कैप कॉल्स बाद में आए भी, तो मैं ऐसा था कि यार IIM रांची भी मिल गया, IIM रायपुर भी मिल गया, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब जब पूरा एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद में आज देखता हूँ, तो इट वुड हैव बीन अ बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं वहां चला जाता है। दिस इज माई पर्सनल कमेंट, मतलब सब लोगों का अपना अपना टेक होगा, और मेरा भी टेक बहुत अलग था एक सेमेस्टर पहले। और इवन मेरे बैच में मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं भी जो IIM त्रिची, IIM रायपुर, इवन कुछ तो IIM उदयपुर को छोड़ के SCMHRD आए हैं कन्वर्ट करके। लाइक मेरा तो कन्वर्टेड नहीं था
इनमें से कोई भी, तो मैं SCMHRD गया, बट वो कन्वर्ट करके भी आए हैं एंड दे हैव जीरो रिग्रेट्स कि हम SCMHRD क्यों आए या हमको उधर चले जाना चाहिए था, बिकॉज SCMHRD इटसेल्फ इज अ लेगेसी ऑफ 30 ईयर्स. तो वो लेगेसी, वो एलुमनाई नेटवर्क, वो सब बहुत काम आता है एंड ऑफ द डे जब बात प्लेसमेंट की और रिक्रूटमेंट की आती है. मतलब व्हेन यू विल कम टू बी स्कूल यू विल गेट टू नो कि ये सब चीजें कितना मैटर करती हैं. ऐसा नहीं है कि खाली आई एम का टैग है तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाएंगे, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. और जब कि हाउ दीज स्मॉल थिंग्स प्ले अ रियली बिग रोल. Great. I think that will give a perspective and that will motivate people to sit for the exam, like concentrate more on the exam and like not to degrade, but अगर SCMHRD के अच्छे हाल है तो स्नैप SIBM पुणे आपको और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज देगा, ये भी आप समझ सकते हो. एंड दैट इज सी अगेन आई इवन आई एम सिटिंग हियर, आई वुड से कि आई एम अहमदाबाद के ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज देगा, दिस इज अ फैक्ट. तो these two are the colleges that you should be targeting and you should not lose out on your preparation right now. तो देखो दे वैसे स्नैप 3 दिन तक है, स्नैप 10 है, सब हाँ ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द कॉलेजेस, इंसान को किस दिन के लिए क्या करना चाहिए, बट बेसिक स्नैप का स्ट्रक्चर बता दो जाता है. श्योर. सो बेसिक स्नैप का यही स्ट्रक्चर होता है कि VA पार्ट होता है, सेकंड आपका LR होता है, थर्ड आपका क्वांट्स होता है. तो VA में आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं, LR में आई गेस 25 क्वेश्चंस होते हैं, और क्वांट्स में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं. और इसमें अब एक चीज ऐसा है, जैसे सिलेबस अगर आप लोगों को देखना है, सिलेबस आपको हर जगह मिल जाएगा, बट आई विल टेल यू कि सिलेबस को आपको एक तो प्रैक्टिस कैसे करना है, दूसरा आपके फिर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैट में क्या हो रहता है कि मतलब ऐसा रहता है कि 30% से 50% पेपर कर लिया तो यू विल गेट समवेयर, मतलब 90 से 99 के बीच में यू विल देयर, अगर 50% पेपर तक आप कर लेते हो. सो दिस इज अ बिग डिफरेंस व्हेन यू विल कम फ्रॉम कैट टू स्नैप, क्योंकि स्नैप में अगर आपको अच्छा करना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 50 क्वेश्चंस तो करने हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी स्नैप में लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत स्पीडफुल पेपर होता है एंड यू हैव टू लाइक डू थिंग्स रियली फास्ट, 60 मिनट 60 क्वेश्चंस. सो यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 83% ऑफ द पेपर. सो यहीं पे सारी स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो जाती है. जैसे इन कैट यू विल गो अराउंड कि भाई मेरी ये कोर कॉम्पिटेंसीज है, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, मेरे को अर्थमेटिक अच्छे से आता है, मैं अर्थमेटिक पे ही खेलूंगा, मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता, मैं ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस छोड़ दूंगा. फॉर एग्जाम्पल हेमंत से भी जब मेरी बात होती थी तो ही वॉज लाइक कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता तो मैं ज्योमेट्री छोड़ दूंगा कैट में. और उनके लिए वो बहुत अच्छा वर्क भी करा, उनके बहुत अच्छे परसेंटाइल आए, एनी कन्वर्टेड. बट स्नैप में आप लोग ये स्ट्रैटेजी लेके नहीं जा सकते कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता मैं तो ये छोड़ ही दूं. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई स्कोर, मतलब मेरा मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, अटेम्प्ट जो फर्स्ट था और जो सबसे लास्ट वाला था. एंड मैं जब अपना स्कोर बताऊंगा ना, बाइफर्केशन बताऊंगा, मतलब ओवरऑल स्कोर मेरा दोनों में लगभग सेम है, 37.75 और 36.25. बट जब बाइफर्केशन में देखता हूँ कि मेरा VA में, LR में और QA में कैसा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 14.75 और 14 था, और सेकेंड में फिर वो हो गया 6.5 17.25 और 12.5. वापस बोलो, 9 14 और श्योर, 9 14.75 और 14, अच्छा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना था? फिर VA में मेरा 6.5 हो गया, ठीक है, ओके, LR में 17.25 हो गया और क्वांट्स में 12.5 हो गया. काफी काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. यस एग्जैक्टली. तो यही मेरा बोलने का मतलब था कि जैसे कई लोग आपको ये बोलते मिलेंगे कि यार अगर तुम्हारा VA अच्छा है तो VA में स्कोर खींच दो, LR अच्छा है LR में स्कोर खींच दो, और जैसे QA अच्छा है तो QA में स्कोर खींच दो. मेरा इसमें मानना बिल्कुल अलग था, आपको हर सेक्शन सरफेस लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सा सेक्शन किस अटेम्प्ट में टफ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग QA को बोलते हो मेरा कोर कॉम्पिटेंसीज है, मेरा भी QA वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसीज था, और जितने भी मैंने 20 स्कूल के पेपर दिए थे उसमें QA में ही मेरे हमेशा हाईएस्ट परसेंटाइल था. तो
अब अगर हम मानते हैं क्यूए मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन फिर भी क्यूए में बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए जो 1 मिनट में तो अटेम्प्ट नहीं हो सकते। तो अब मैं क्या करूं उस सिचुएशन में, मैं क्या करूं? मैंने तो अपना कोर कॉम्पिटेंसी एक एरिया को मान के आया था, बट वही सेक्शन टफ आ गया। और स्नैप में ऐसा भी नहीं होता कि वो लोग नॉर्मलाइज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर अटेम्प्ट्स। तो उस दिन जो आपका आया पेपर, उस दिन में मार्क्स आए तो आए, नहीं आए तो यू आर आउट, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कैट का सिलेबस, वो स्नैप का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, और हर हर टॉपिक को सरफेस लेवल पे करके जाओ कि इजी क्वेश्चन आया तो वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि और जितने एस्पायरेंट्स होंगे वो ऐसे भी होंगे जो कैट में अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, सब करा होगा, तो वो इजी क्वेश्चन तो किसी भी टॉपिक में नहीं छोड़ने वाले। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल वीए हो गया, तो स्नैप के वीए में आरसीज नहीं आते, उसमें सिनोनिम एंटोनिम ग्रामर ये सब आ गया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई ऐसे सिनोनिम एंटोनिम दे दिए जो आपने आज तक सुने ही नहीं है, आप 1000 2000 3000 कितने ही वर्ड्स कर लो, बट देर इज नो लिमिट टू इट। तो ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपने आज तक सुना ही नहीं है, लेकिन आप ये सोच के गए थे नहीं यार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वीए मेरा बहुत कोर कॉम्पिटेंसी है, मैं 10+ तो ला के ही छोड़ूंगा। आप ला ही नहीं सकते हो 10+ जब आपके ऐसे ही 4-5 मार्क्स ऐसे ही चले गए सिनोनिम एंटोनिम में जो आपको आज तक नहीं पता। सो दिस इज द केस कि अगर आपका एक सेक्शन डाउन जा रहा है, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि उस सेक्शन का डाउन आप बाकी दोनों सेक्शन में कवर अप कर लो। एंड उसका यही तरीका है कि यू हैव टू बी लाइक श्योर कि ये टॉपिक्स मेरे को एटलीस्ट सरफेस लेवल्स पे आते हैं जो जो उस पेपर में पूछे जाने वाले हैं। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी टू फॉलो फॉर स्नैप। ठीक है, तो अब एक बार सेक्शन वाइज फटाफट करते हैं। बीए में इंसान को क्या क्या करना चाहिए? यार वीए में टू बी ऑनेस्ट देखो एज सच कुछ करने के लिए है नहीं, बस ये है कि ग्रामर, आप अगर अभी तक आपने ग्रामर प्रैक्टिस नहीं करा किसी और ऑमिट्स के लिए, तो आप ग्रामर के सेशंस जरूर लगा सकते हो, ग्रामर कर लो। क्योंकि ऐसा है कि ग्रामर के रूल्स हैं, अगर आपको आते हैं आप फिर भी एक बार को कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये सजेशन कोई दे कि यार हर रोज के 30 40 50 60 सिनोनिम एंटोनिम देख लो नजर मार लो, मैं उस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे वही बात है, अगर आता होगा उस दिन पता होगा पहले से तो ठीक है, वोकैबुलरी ऐसा नहीं है कि 10 15 दिन में आप बिल्ड कर लोगे अपनी, वो तो डाउन द लाइन आपके चाइल्डहुड से वो जितना बिल्ड होता रहता है आपको पता होता है, लेकिन ग्रामर क्या है वो रूल्स पे चलता है। तो आपको रूल्स, आप फिर भी 1 2 दिन अगर आप बिंज वॉच करोगे सेशंस, तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ग्रामर आपका हो जाएगा उससे। एंड ग्रामर का भी अच्छा खासा पोर्शन आता है, मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस एटलीस्ट ग्रामर से तो आ जाएंगे। सो ये मेरा वीए का रहेगा। देन एलआर में मैं ये बोलूंगा कि एलआर में ना देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसमें आपने प्रैक्टिस कर ली तो यू कैन बी डेड श्योर बीए पेपर में आया, मैं इसको निकाल दूं। सेकेंड थिंग ये है कि भाई उसमें पैटर्न बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज हो गई, देन वो आपके फिगर्स वाले क्वेश्चन होगा जिसमें पैटर्न डिकोड करना पड़ता है। तो इट इज समथिंग, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रैक्टिस मत करो, लाइक नंबर सीरीज इज समथिंग जो मैं दिन की शायद 50 50 नंबर सीरीज करता था जब तक मेरा स्नैप आने वाला था, जिससे मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर सीरीज से टाइप ऑफ पैटर्न से फेमिलियराइज हो जाऊं। उसका सबसे अच्छा एक सोर्स वो है जो आपके बैंक पीओ के क्वेश्चंस होते हैं ना, एलआर के बैंक पीओ और इन सब एग्जाम्स के, तो उसमें काफी ज्यादा वैरायटी कवर कवर रहती है। तो उनके मैं गूगल करता था, कंपेंडियम्स उनके हैं विद आंसर्स, तो और वो मैं सॉल्व करता रहता था, तो मेरे को अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक एक मिल गया था 400 500 क्वेश्चन का, और वो मैंने स्नैप होने तक लगा लिए थे सारे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा था कि मैं 2 नंबर सीरीज आई थी मेरे को अभी भी याद है, शायद 2 या 3 थी, और मैं उसमें से खाली एक ही कर पाया था सॉल्व वहां पेपर में, और 2 मेरे से उस टाइम भी सॉल्व नहीं हुई। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो यू कैन बी फेमिलियराइज कि ये हो सकता है ये हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे पेपर में अगर दिमाग चल पाया और वो 1 मिनट में डीकोड हो गया, ऐसा नहीं है कि अब यार मैं 500 सॉल्व करके आया हूँ तो अब मैं इसको तो सॉल्व करके जाऊंगा चाहे बाकी पेपर ना हो, तो वो चीज भी दिमाग में रखनी है कि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो, अगर टाइम निकल गया लीव इट आगे बढ़ जाओ कोई बात नहीं। देन आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जैसे आपका सिलॉजिज्म हो गया, फिर आपका ये कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया, इसमें क्या है कि भाई रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर आपने आधा पौना घंटा लगा के कोई अच्छी सी वीडियो देख ली क्लॉक्स पे, तो यू कैन बी डेड श्योर कि अब मैं पेपर में क्लॉक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए निकाल लूंगा, क्योंकि रूल्स पे चलता है, 4 5 रूल्स हैं, ऐसे होगा तो ये करना है, ऐसे होगा तो ये करना है। तो ऐसे अपने टॉपिक्स को ना आप लोग बाइफरकेट कर लो कि कौन से टॉपिक है जो पेपर में आ गया मैं डेड श्योर हूँ कि मैं कर लूंगा,
तो उस पे आप प्रैक्टिस करते जाओ, जब आप मॉक्स लगाओ तो मेक श्योर कि वो टॉपिक तो अब नहीं छूट रहा है, एंड नंबर सीरीज और ये सब जो टॉपिक्स हो गए इसकी आप और रिगरस प्रैक्टिस करो कि ये जब आता है अगर और लोग नहीं कर पा रहे तो मैं कर लूँ एटलीस्ट, है ना। जैसे आप पेपर से बाहर निकल रहे हो और आपसे नंबर सीरीज नहीं बनी तो यू शुड बी श्योर कि मोस्टली जनता से वो नहीं बनी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी लोगों से बन गई आपसे नहीं बनी, देन प्रैक्टिस में कमी है। अगर आपसे नहीं बन रही तो वो एक ही सिनेरियो होना चाहिए कि टफ आई थी और लोग भी डिकोड नहीं कर पाए। देन एक क्यूए का ये बोलूंगा मैं, क्यूए में भी दो टाइप के सिनेरियो होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये होगा जो मैं मानता हूँ कि काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कैट में क्यूए अच्छे से पढ़ा ही होगा, सो इट इज जस्ट दैट रिविजन पे अच्छे से ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री हो गई, तो ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज ना रोज रिवाइज करना शुरू कर दो आप, क्योंकि स्नैप में ना ऐसा रेयरली कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रॉपर बैठ के पूरा सॉल्व करना पड़े। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि दो तीन फॉर्मूलाज डायरेक्टली लग गए और क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलाज और मतलब फिंगर्स होने चाहिए जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं। सेम गोज फॉर अर्थमेटिक कि भाई अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तो जहां और लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग उसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। सो यही है कि जो भी फॉर्मूलाज फॉर्मूला बुक आप लोगों ने बनाई होगी उसको गो थ्रू करते जाओ, एंड रोज का एक ये कर लो कि भाई मैं इतने क्वेश्चंस रोज सॉल्व करूंगा। एंड एक जो प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि स्नैप के लिए जितनी भी प्रैक्टिस आप करते हो ना मॉक से अलग भी, वो भी टाइम बेस्ड मैनर में ही करो, क्योंकि अब सीखने जैसा कुछ बनी है कि हम अब सीख रहे हैं या अब हम प्रैक्टिस उस सेंस में कर रहे हैं। अब तो ये है कि क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है लेकिन वो टाइम के अंदर होना है। तो अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी चीज, इट शुड बी इन टाइम बेस्ड मैनर। आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपेंडियम खोला, उसमें ये कर लिया कि 1 से लेके 20 तक मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस हिसाब से 20 मिनट का टाइमर लगा लिया, 20 नहीं तो 25 मिनट का। देन 25 मिनट होने के बाद देखो कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए कितने नहीं हुए, बाद में सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो, चेक करो, कोई अच्छा क्वेश्चन लगे उसको लिख लो एंड सोल्यूशंस देखो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कैट में करते कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा फिर उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वो अब इस इनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अब उस क्वेश्चन से भी फेमिलियर होना है जो आपसे नहीं हो रहा है, और वो आप टाइम बेस्ड मैनर में छोड़ना जब सीखोगे तभी होगे, बिकॉज स्नैप में क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन पे स्टक हो गए 3 4 मिनट लगा दिए तो इट्स रियली टफ कि आप स्नैप में फिर कम बैक कर पाओ दोबारा से। तो स्कोप फॉर कमबैक इज रियली लेस इन स्नैप। यस 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 ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट मॉक्स अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट मॉक्स। ओके, सो बेस्ट मॉक्स तो यार मैंने एक ही मॉक्स लिए थे, वो भी आपने सजेस्ट करे थे मॉक जोन के, तो मेरे को तो वो वर्थ इट लगे मतलब टू बी ऑनेस्ट। और मॉक जोन मतलब अच्छा इसलिए भी था क्योंकि वो ना स्नैप और एनमेट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, मतलब बाकी जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर या टेस्ट सीरीज है ना उनका क्या है कि कैट मेन फोकस होता है, देन जैसे जैसे बाकी ओमेट्स आने लगते हैं वो उनके फटाफट फटाफट कंपेंडियम बना के या मॉक्स बना के देने लगते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर देखा भी था, क्योंकि और मैं नाम नहीं लूंगा बट कोचिंग सीरीज के मोस्टली सारी कोचिंग सीरीज के मॉक्स हमारे पास थे कैट के लिए, तो ओमेट्स के भी उसमें आते थे, तो जब मैंने कंपेयर करा तो मॉक जोन वॉज लाइक रियली डेडिकेटेड टुवर्ड स्नैप एंड एनमैट, तो वो बहुत मतलब क्लोज मॉक बनाता है स्नैप से, मेरे को ये पर्सनली फील हुआ कि उनका पैटर्न उनका पेपर और इवन इंटरफेस भी काफी सिमिलर है स्नैप से। तो देव एक बार ये व्हाइट बोर्ड देखना, उसमें मैंने जो लिखा है, डिड आई मिस समथिंग दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड? जस्ट अ सेकंड। पेज 2 पे भी जाना, ठीक है ना? हाँ, नहीं अभी तक मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड आई गेस। और तो अब इस पे बात करते हैं कि जिन लोग का 10 तारीख को एग्जाम है, 10 दिन में, उन लोगों एक्स्ट्रा किस चीज पे, अगर उनको प्रायोरिटाइज करना है तो किस चीज पे करना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली टाइम थोड़ा बहुत निकल गया है, मेरी भी गलती है कि मैंने थोड़ा लेट, अब अगर किसी को ऑप्टिमाइज करना है यहाँ से, व्हाट शुड बी द वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड? एंड लोगों के लिए भी बताना फिर, जो लोग बाद में करेंगे, जो लोग 17 को देंगे एंड फिर जो लोग 22 को नहीं, 10 17 ठीक 22 है, तो हाँ,
सो मतलब इसमें इस चीज में इस पर्टिकुलर केस में हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे कि एक तो 10 तारीख को पेपर है लेकिन वो खाली एक अटेम्प्ट नहीं है, उसके बाद आगे वाले अटेम्प्ट भी वो देने वाला है। जैसे मेरा मेरा सेम केस यही था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और थर्ड अटेम्प्ट दिया, और एक केस ऐसा हो गया जो कि खाली 10 को ही देने वाला है और उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं है, दिस इज द वन एंड ओनली अटेम्प्ट। तो जिसका तो ऐसा केस है दिस इज द वन एंड ओनली अटेम्प्ट, भाई तुम लोग तो पूरी मेहनत लगा दो, जो भी मैंने चीजें बोली हैं वो तुमको इन 10 दिन में ही करनी है। मतलब अगर 6 घंटा पढ़ रहा है कोई बच्चा तो तुमको एटलीस्ट 7 8 9 घंटा तक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको रिवीजन भी साथ के साथ करना है, प्रैक्टिस भी साथ के साथ करना है। जस्ट वन थिंग आई वुड से कि भाई LR स्नैप का बहुत डिफरेंट होता है कैट से, तो अगर तुमने NMAT के लिए प्रिपेयर नहीं कराता या और किसी ओमेट में जिसमें ऐसा सिमिलर LR आता है, तो प्लीज गिव गुड क्वांटिटी ऑफ टाइम फॉर LR, जो भी टॉपिक्स हैं ये आपका, स्पेशली वो टॉपिक्स जिसमें आप श्योर हो कि पेपर में आएंगे तो नंबर बन जाएंगे, जैसे ये कैलेंडर हो गया, क्लॉक्स हो गया, सिलोजिज्म हो गया, आपका अजम्पशन वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे कि पेपर में आया तो बन ही जाते हैं। तो इन पे तो अच्छा खासा टाइम दो, इस पे प्रैक्टिस करो, किसी भी अच्छी कोचिंग सेंटर का मटेरियल अवेलेबल होता है तो उसमें आप क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करो, ये तो पक्का करने के करने, सेंटर और का बाकी नाम, नंबर सीरीज और वो सब क्या कोचिंग चीज। सेंटर का नाम ले सकते हो जिसका मटेरियल नहीं नहीं अच्छा। मैं बोलूँ किसी भी कोचिंग सेंटर का, हाँ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो पहले टाइम ज्वाइन करा हुआ था एज अ ऑफलाइन कोचिंग, तो उनका मेरे पास थोड़ा बहुत मटेरियल था तो मैंने उसी के मटेरियल से प्रैक्टिस कर लिया था, और बाकी ऑनलाइन जैसे मैंने बताया बैंक PO वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना तो उनके कंपेंडियम्स होते हैं, एंड दे आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत अच्छे होते हैं। तो यही करो, जिस भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है कि कैलेंडर्स क्वेश्चन ऑफ बैंक PO, तो वो लास्ट ईयर के सारे आ जाएंगे, मतलब लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर सबके, एक एक सॉल्व करना शुरू कर दो, मोर देन इनफ है, वो इतना टाइम भी अब नहीं बचा। मतलब आई वुड जस्ट से कि यार मटेरियल को ढूंढने के पीछे टाइम मत वेस्ट करना, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सबसे बेस्ट सबसे सुप्रीम मटेरियल ही मैं ढूंढ के पहले निकालूंगा फिर उसे सॉल्व करना शुरू करूंगा, इस चीज में 1 2 दिन मत वेस्ट कर देना, जाते ही गूगल करना मिल जाएगा और उसी से प्रैक्टिस कर लेना, इट इज मोर देन इनफ। तो स्नैप मतलब अभी अभी भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कई ग्रुप में कि देवर स्टूडेंट्स लाइक कि यार स्नैप के ऑफिशियल मॉक्स कहाँ से मिलेंगे और स्नैप के ऑफिशियल पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। यार तुमको क्या मतलब भाई, ठीक है मॉक्स देना बहुत अच्छी बात है लेकिन जब टाइम कम हो ना तो टाइम को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए कि मेरे को प्रैक्टिस करने से मतलब है यार, है ना। अगर कैलेंडर का कोई क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, तो एक क्वेश्चन अगर आज बैंक PO में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, कल वो स्नैप में आ जाए या स्नैप का क्वेश्चन वो दे दे, है ना, क्योंकि लॉजिक तो वही चलता है ना क्वेश्चंस बनाने के पीछे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए पर क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का जो रैशनल है सॉल्व करने का वो सेम ही हो, तो वो चीज है। ठीक है, डू नॉट वेट फॉर द बेस्ट रिसोर्स, फाइंड बैंक PO क्वेश्चंस एंड स्टार्ट डूइंग इट ASAP। स्टार्ट, हाँ बिल्कुल, अटेम्प्ट वाला लोग के लिए ना ये जो हाँ अभी जिनका खाली यही अटेम्प्ट है, जो लोग खाली 10th को देने वाले हैं उनका यही है, और दूसरा फिर मैं बोलूंगा जिन लोगों का ऐसा है कि 10th को भी और आगे भी है, वो लोग अभी बस इतना करो कि मॉक्स देके और जो भी प्रेपरेशन करनी है करके एक स्ट्रैटेजी बना लो, पेपर देके आओ, अगर लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करी तो ठीक है, नहीं तो 10 से 23 तक भी आपके पास जो टाइम है उसमें उस टाइम को फिर यूज करो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए, क्योंकि हर इंसान की अलग स्ट्रैटेजी होगी स्नैप देने की। मेरी पर्सनली ये थी कि मैं सबसे पहले QA ही करता था, कई लोग ये बोलते हैं कि QA को सबसे एंड में करो, लेकिन मेरा मानना ये था भाई QA मेरा सबसे अच्छा है, QA में मैं सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करूंगा, और बाई चांस अगर मैं किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाता हूँ तो QA में होना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि स्टक होकर एटलीस्ट मैं निकाल लूंगा, इंस्टेड ऑफ मैं LR में किसी नंबर सीरीज में स्टक हूँ, 3 4 मिनट निकल भी गए नंबर सीरीज भी नहीं बनी और प्रेशर में मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि ये भी बहुत होता है कि अब भाई इतना टाइम लगा दिया तो कुछ ना कुछ तो मार्क कर ही देता हूँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी बहुत रॉक सॉलिड होनी चाहिए और पेपर चाहे कैसा भी आए अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक करो। इसका मतलब एक लास्ट टिप बस मैं ये मतलब दूंगा, टिप और एग्जाम्पल दोनों उसको समझ लेना, कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक करते हो और आपको पता है आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आपका पेपर 110% सही जाने वाला है, क्योंकि जिस साल मेरा स्नैप था ये आपका 22 वाला और उससे पहले वाला जो था, मतलब देख लेना ईयर जो भी था,
तो हमारे टाइम में जैसे मेरे 37.75 था, मेरी 99.07 आ गई थी, लेकिन उससे पहले वाला जो स्नैप था उसमें शायद 43 या 44 मार्क्स पे सेम परसेंटाइल आती, तो मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर मैंने भी वही सोचा होता कि नहीं भाई इतने अटेम्प्ट करूंगा इतने अटेम्प्ट करूंगा, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि भाई पेपर टफ आया, आपके अटेम्प्ट उस हिसाब से डिक्रीज होने चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी सेम रहनी चाहिए और उस हिसाब से आप पेपर को टैकल करो। है ऐसा कोई ना दिमाग में मत सोच के जाओ मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करके ही आऊंगा। जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि 50 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा तब मेरा स्नैप अच्छा जाएगा, लेकिन मेरे को अगर समझ आ गया पेपर टफ है तो शायद मैं 43 या 45 क्वेश्चन करके ही आ जाऊंगा। मैं जबरदस्ती 50 क्वेश्चन नहीं मारूंगा क्योंकि ये बॉल पार्क फिगर मार्केट में चल रहा है। सही है। तो बता दो कि अगर कोई 22 तारीख को दे रहा है, मैं वो रिकॉर्ड दे दिया और वो हाँ 22 को भी दे रहा है, तो व्हाट यू और शी डू एक्स्ट्रा यूटिलाइज दैट टाइम। मतलब बाकी सब तो ठीक है चलो कर लेंगे, बट अब क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है तो वो लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो वो पहले नहीं करते। एक्स्ट्रा में यार यही बोलूंगा, देखो एक तो अपनी प्रैक्टिस को टॉप नॉच बनाओ। आप एक बार पेपर दे के आ चुके हो, आपको पता है कि पेपर कैसा है, और स्नैप अगर एक बार जैसा आ गया वो थोड़ा बहुत सिमिलर लाइंस पे ही चलेगा। सो इफ यू हैव फेयर आइडिया कि स्नैप कैसा आया है तो देख लो, अगर आपको लगता है भाई ये एरिया मेरा वीक था, इस एरिया में मेरे को पेपर देने में डिफिकल्टी हुई, उस एरिया पे आके वर्क करो। सेकेंड टिप होगी। थर्ड टिप मेरी यही होगी कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रेपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही थी तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना शुरू करो। अपनी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, एक दो चीजें आगे पीछे हो जाए पेपर में, आपकी स्ट्रैटेजी वहां से नहीं हिलनी चाहिए। मतलब स्नैप इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी यार, कि आप उस पेपर को 60 मिनट में कैसे कैसे टैकल कर पा रहे हो। एक दो स्नैप क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा आपकी परसेंटाइल में भी और वैसे भी। इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजी एंड लेस अबाउट स्किल। नहीं नहीं यार, स्किल इज इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा है कि स्किल लेके बहुत लोग आते हैं। जो लोग जा रहे हैं, मतलब मैं बोलूंगा एटलीस्ट 50-60% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, अच्छे से वो करके भी आए हैं, बट इट इज अबाउट कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना आता है नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आता है कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से, मैं उसको कर भी लूंगा 3 मिनट में, लेकिन अब मेरे को आगे जो 2 क्वेश्चन आते थे मैं 2 क्वेश्चन बना सकता था, वही 3 मिनट लगा के मैं वो शायद ना कर पाऊँ। लेकिन जिसके पास ये स्ट्रैटेजी कि 1 मिनट में हुआ तो करूंगा नहीं हुआ तो नहीं करूंगा, वो छोड़ के आगे जाएगा और 2 क्वेश्चन कर देगा आगे जाके। तो एंड ऑफ द डे मार्क्स ही मैटर करते हैं, उनको नहीं देखना कि तुमने भाई ज्योमेट्री से क्वेश्चन निकाला है कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन निकाला है। इसलिए स्किल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट जिसके पास स्किल्स प्लस स्ट्रैटेजी है ही विल एक्सेल स्नैप पेपर। तो बेसिकली लर्न टू लीव यस यस और अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एक बार बता दो तुम्हारा क्या था एंड किस तरह से लोग रख सकते मॉक अटेम्प्ट ठीक है ठीक एग्जाम है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। हाँ, तो मैं 3 स्ट्रैटेजी आप लोगों को बोलता हूँ और विद टाइम लैप्स बोलूंगा कि इतना इतना लगाना, आप लोग ट्राई करके देखो मॉक्स में जो आपके लिए वर्क करता है। सबसे पहले मेरी ही स्ट्रैटेजी, मैं पहले QA करता था। मेरा टारगेट ये रहता था कि 20 से 22 मिनट में जितना QA होगा उतना मैं कर लूंगा, और मेरा मतलब मैं पर्सनली सारे क्वेश्चंस तो जरूर एक बार देख तो लेता था, जो लगता था कर लूंगा बाद में आके मार्क कर लेता था। उसके बाद में LR में जाता था और सबसे एंड में मैं 5 मिनट ही छोड़ता था VA के लिए। अब इसमें मेरे पर्सनल बेनिफिट ये था कि VA में मैं 5 मिनट ही दिख रहे होते थे, टाइमर खत्म हो रहा है, तो मेरी अपनी आप स्पीड बढ़ जाती थी VA को करने की, कि बचे ही 5 मिनट है, टाइमर खत्म हो रहा है, पेपर बंद हो जाएगा, तो मेरी अपने आप स्पीड उस हिसाब से रहती थी। सेकेंड स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप VA में स्टार्ट करो, शुरू में 5-6 मिनट लगाओ, 7 मिनट से ज्यादा मत लगाना मेरे हिसाब से पर्सनली, क्योंकि आता है तो आ जाएगा, नहीं आता है तो वो 10 मिनट लगा के भी नहीं आएगा वहां पे। ऐसा है, सिनोनिम एंटोनिम, अब पता है तो नहीं आता है, नहीं है पता तो नहीं आता। फिर उसके बाद आप लोग LR पे जा सकते हो, बीच में LR रखो और फिर एंड में आप QA करने जा सकते हो। बट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यू हैव टू मेक श्योर कि भाई जितना टाइम दिमाग में सोचा था उतना पर सेक्शन मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि VA में ही सारा टाइम लगा दिया आप लोगों ने। में कितना देना एंड थर्ड चाहिए स्ट्रैटेजी यही हो। हाँ, किस चीज में एलआर में मिनिमम कितना देना चाहिए। यार, LR में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 30 मिनट का आप लेके चलो। या तो आप ऐसा मानो कि 25 मिनट ही लगाऊंगा 25 क्वेश्चन के लिए, फटाफट देखूंगा जो मेरे कोर एरियाज है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा,
जैसे नंबर सीरीज को मैं यही करता था कि नंबर सीरीज जो थे ना वो मैं एंड के बफर टाइम में ही आके सॉल्व करना शुरू करता था, क्योंकि होता है कि यार एक बार हो गया तो हो सकता है 1.5-2 मिनट तक भी चला जाए, इसलिए नंबर सीरीज और पैटर्न्स वाले क्वेश्चन जितने भी होते थे जिसमें डिकोडिंग का काम है वो मैं हमें हमेशा बफर टाइम में ही करता था। मैं ट्राई करता था कि मेरा पेपर एक बार 50 मिनट में गो थ्रू हो जाए और लास्ट का 10 मिनट बफर टाइम होगा जिसमें मैं एक बार आके दोबारा क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, और फाइनल स्ट्रेटेजी क्या था? थर्ड 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 स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोग फिर एलआर से शुरू कर सकते हो, आप लोग एलआर से शुरू कर सकते हो, फिर उसमें बफर टाइम रखने की जगह आप पूरे 30 मिनट एक बार में एलआर को ही दे दो, कि लेकिन उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि अब मैं दोबारा एलआर पे तो नहीं आने वाला हूँ, अगर टाइम बच गया बाई चांस तो आ जाऊंगा, बट अब वैसे मेरे पास बफर नहीं बचा है एलआर के लिए कोई। देन उसके बाद आप फटाफट से वीए कर दो, फटाफट से 5 मिनट लगा के पूरा वीए कर दिया, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कि यार दो सेक्शन मेरे सॉर्टेड है, 35 मिनट ही हुए हैं, दो सेक्शन सॉर्टेड है, जितना टाइम बचा है आराम से मैं क्यूए को लगा सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सारी थोड़ी क्यूए डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज ही हैं, बट ये वो स्ट्रैटेजीज है जो मैंने फॉलो करी थी, रीजन बीइंग दैट ओनली कि मेरे को क्यूए अच्छे से करना था। आपका कोई और सेक्शन अच्छा है तो आप उस पर जाओ, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी जो आप कर सकते हो। चलो, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर पीपल टू गो थ्रू एवरीथिंग। अगर उन्होंने इसी को फॉलो कर लिया तो शायद कुछ लोग आपके जूनियर बन के आएंगे। आई होप दैट हैपेंस। श्योर सर, फाइनली ये बता दो यार, लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, सो एंड द फैक्ट दैट आप तो फिट फाट शेप में भी हो तो लोग आपको फिटनेस के लिए भी रीच आउट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए भी, सो वेयर दे कैन रीच आउट टू यू? हाँ, सो दे कैन रीच आउट टू मी आइदर ऑन टेलीग्राम, लाइक ओके, टेलीग्राम वुड बी बेस्ट इफ यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम इज बेटर, लाइक आई वुड नॉट बी अपने एबल टू शेयर माई नंबर। ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, यू दे कैन डायरेक्टली टैग यू एंड देन हैव अ यस यस कॉन्वर्सेशन। यस, यू कैन ऑल्सो शेयर माई इंस्टाग्राम लिंक ऑन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वीडियो एंड टेलीग्राम लिंक एज वेल, एंड द ग्रुप इज ऑल्सो, यस आई कैन ज्वाइन द ग्रुप एज वेल फॉर एनी गाइडेंस इफ रिक्वायर्ड। ग्रेट, सो आई एम श्योर पीपल विल बी देयर टू ask you a lot of questions, but thank you so much for your time, Dave. It was great catching Yes, up yes. with you. And again, congratulations for your good SIP. Really थैंक happy. यू फ्रेंड। I hope कि इतना सारा जो decisions हैं, इतना सारा sacrifice सब worth it रहा है इनमें. And I can see that from the यस डेफिनेटली, So I suggest people, and I am sure you will also suggest कि things will work out. They just need to keep working and not let them down in this phase, because जो लोग इस phase में down गए वो गए। तो खत्म। हाँ thank you so much guys for listening. We will be back again. Probably Dev can also give some interview inputs, but that's another story. यस Take यस यस, care and looking forward to see you all again. Thank you so much, Dev. Good day.